ओम शांति। करम अकरम विकरम की गुये गति जो बाप ने समझाई है उसे बुद्धि में रखो। मालूम होना चाहिए ना, किस कर्म से अकर्म, किस कर्म से सुकर्म, किस कर्म से विकर्म बनते हैं। अगर ये बुद्धि में याद रहे तो फिर उससे बच जाएंगे। ओके, कुदृष्टि क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है, इसलिए कर्म अकर्म विकर्म की गुये गति जो बाप ने समझाई है उसे बुद्धि में रखो। बुद्धि में रहना जरूरी है और फिर बुद्धि से उसका समय प्रति समय प्रयोग जरूरी है। ऐसे तो बुद्धि में सारा ज्ञान है हमारे पास, पर समय पर अगर यूज ही ना हो तो क्या फायदा। ऐसे बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं तो सब कुछ बुद्धि में ही होता है, पर जब सामने से प्रश्न आता है और उसको रिटर्न में लिखते हैं पास तो तभी होते हैं। ऐसे हमारी बुद्धि में सारा ज्ञान है दूसरों को सुनाने के लिए, पर जब स्वयं पर बात आती है, कोई प्रैक्टिकल सीन आता है, तो उस समय बुद्धि से खिसक जाता है, तभी तो फेल होते हैं। पर ना फेल होंगे कैसे जब बुद्धि में इतना ज्ञान है, इतनी समझ है, कर्म की भी समझ है, सुकर्म की भी समझ है, अकर्म विकर्म की भी समझ है, फिर भी क्यों खिसक जाता है। जब सही समय पर ज्ञानी मर्ज ही नहीं होगा तो फिर कर्म सुकर्म कैसे बनेंगे। इसीलिए हमेशा ध्यान रहे, कोई भी कर्म करने से पहले एक बार जरूर चेकिंग करो, क्या ये कर्म ब्रह्मा बाप समान है, क्या ये कर्म मुझे करना चाहिए। करना चाहिए तो करो, नहीं करना चाहिए तो जिसकी संतान है तो समझ में आना चाहिए कि वो कैसे हैं और हम कैसे हैं। तो सबको पता है सब कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं जिसको ये पता ना हो, सब बड़े आराम से कह देते हैं। हम भोले हैं ना, हमें कुछ पता नहीं लगता। बदला लेना कैसे पता लगता, बदलना पता नहीं लगता, बदला लेना पता लगता है। चेकिंग करनी नहीं आती, दूसरों के साथ अपना व्यवहार पता नहीं लगता, दूसरे हमारे साथ कैसा व्यवहार करते ये सब पता लगता है, कौन हमारे साथ कैसे बात कर रहे सब पता पड़ता है, हम किसी के साथ कैसे बात कर रहे ये पता नहीं पड़ता। कितनी वंडरफुल बात है, चेकिंग ही नहीं सही है तो थोड़ा चेकिंग करें तब बदलाव आता है। और चेकिंग अपनी करनी है, दूसरे की नहीं। दूसरे को समझाने के लिए बाबा बैठा है, आप अपने आप को तो समझा ले। तो सच्चा व्यापार करने और ऊंच पद पाने का आधार है कि बाप की हर डायरेक्शन पर चलना। जो चलता है वो निश्चिंत भी रहता है और उसकी स्थिति भी बनती है, जो नहीं चलता उसी की स्थिति ऊपर नीचे होती है। जो अपनी बुद्धि चलाता है और जो बाप ने ज्ञान दिया है उसका प्रयोग नहीं करता तो वो अपना नुकसान करता है। ओके, ओम शांति।